तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम लोग लड़कियों को चोरी छिपे देखते हैं, ये हम सब जानते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि लड़कियां भी हमें चोरी छिपे देखती हैं या नहीं? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में नया सवाल ज़रूर आता है, क्या लड़कियाँ क्या हमें चोरी छिपे देखती है? क्या उनका इंटरेस्ट भी हम में होता है? क्या वो चाहती है कि उनसे हम बात करें? वो कैसा बिहेव करती है? क्या लड़कियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है? तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब है हाँ, क्योंकि लड़कियाँ भी तो इंसान ही है ना। उनके अंदर में भी इमोशंस हैं, उनके अंदर में भी एक प्यारा सा दिल है जो कभी इधर कभी उधर फुदकता रहता है। तो ऑफकोर्स लड़कियाँ भी आपको चोरी छिपे देखती है, आपको देखना चाहती है, आपके सामने में जानबूझ के इतराती है, आपको इग्नोर करके दिखाती है ताकि आप उनकी तरफ खींचे चले आओ। तो ये सब लड़कियों का एक पैतरा होता है आपको अपनी तरफ में खींचने का। सो पहला क्वेश्चन का जवाब है हाँ। अब बात आती है कि क्या लड़कियाँ भी फर्स्ट स्टेप लेती है, मतलब क्या वो खुद भी लड़कों से बात करने का इनिशिएटिव लेती है? तो ये डिपेंड करता है लड़कियों पे। कुछ लड़कियाँ इतनी बोल्ड होती है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर वो किसी लड़के को पसंद करती है तो सामने से जा करके बात करने की कोशिश करती है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और कुछ लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा शाई होती है, बहुत ही ज़्यादा उनको अजीब लगता है ये सब करने में। तो उनका मन तो होता है कि वो फलाना लड़का आकर के मेरे से बात करे, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है बात करने की, क्योंकि उनके अंदर में शर्म और डर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से वो चाहती है कि मैं तो उस लड़के में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इस लड़के को मेरे से आकर के बात करनी पड़ेगी। और ये उनका एटीट्यूड नहीं है, ये उनका डर है। और वो फिर आपको कुछ इशारे देना शुरू कर देती है, कुछ ऐसे हाव भाव एक्सप्रेशन देती है ताकि आप समझ जाए कि वो आपसे एक बार बात करना चाहती है और आप खुद उनके पास में चले आए बात करने के लिए। तो इस तरह का बिहेवियर अपनाती है। तो भाई, ये तो हुआ इन सारी लड़कियों की बात। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि हमें कैसे जानेंगे कि वो लड़की हम में इंटरेस्टेड है या नहीं, और हमें अपने तरफ बुला रही है, हमें इशारे दे रही है कि हम उससे बात करें। ये कौन से इशारे होते हैं जो हमें बताते हैं कि लड़की हम में इंटरेस्टेड है? एक सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लड़की आप में इंटरेस्टेड है और बार बार आपको अपनी तरफ बुला रही है, जो इशारे आपको समझने हैं और उससे बात करने का इनिशिएटिव आपको लेना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी लड़की से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके पीछे ही पड़ जाए। अगर लड़की आप में इंटरेस्टेड है भी, तो भी आपको सिर्फ उससे बात करने की ही कोशिश करनी है। अगर लड़की ज़्यादा भाव खाने लगे, आपको देख करके इतराने लगे, आप बात करने जा रहे हो वो आपको इग्नोर करने लगे और दिखाए कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके साथ में मिसबिहेव करे या आपसे कहे कि भाई देखो मुझसे बात मत करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो अगर वो इस तरह का एटीट्यूड दिखाती है तो फिर उसके पीछे मत जाइए। क्योंकि एक बार लड़की ना कर दे, उसके बाद भी लड़का उसके पीछे जाए, तो वहाँ पर वो लड़का अपनी इज्जत खो बैठता है उस लड़के की निगाहों में। और जिस लड़के की एक लड़की इज्जत नहीं कर सकती, उसको कभी प्यार भी नहीं कर सकती। तो आपको अपनी इज्जत अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है, नो मतलब नो, ये आपके लाइफ का रूल होना चाहिए कि लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में एक बार करूँगा, दो बार करूँगा, दो बार उसको प्रपोज भी करूँगा, लेकिन अगर उसने ना कर दिया तो मैं उसके पीछे फिर कतई नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। इस चीज़ को अपना लाइफ मंत्र आप बना के रखिए। बट हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि जब लड़की भी इंटरेस्टेड होगी तो आपको मना नहीं करने वाली, वो आपको ना नहीं बोलने वाली, वो आपसे बोलेगी कि रिश्ते में नहीं आते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल एज अ फ्रेंड ही बात करते हैं, मुझे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो वो रिश्ते में आने के लिए मना करेगी, लेकिन बात करने में खुश होगी आपसे। तो आप इस चीज़ को मेंटेन रखिए और उसका दोस्त बन के रहिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और इस दोस्ती में आप उसके दिल को जीतने के लिए बहुत सारे काम कर पाएंगे, उसके दिल को जीत पाएंगे और उस दोस्ती को प्यार में बदल पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।